हेलो दोस्तों, महिंद्रा जीतो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं महिंद्रा जीतो की प्राइस और मेंटेनेंस के बारे में। मेरे पास दो महिंद्रा जीतो गाड़ी है, एक 11 HP वो मैंने 2016 में ली थी, और दूसरी गाड़ी है जो मैंने 2018 में ली थी। तो पहली गाड़ी मुझे 2,90,000 में बैठी थी और दूसरी गाड़ी मुझे 2018 में 3,30,000 में बैठी थी। और पहली गाड़ी मेरी 11 HP 6 फुट उसकी बॉडी है और 16 HP की भी 6.5 फुट बॉडी है। तो मैंने पहली गाड़ी लगभग 20 या 30 किलोमीटर हो जाने पे उसने मेंटेनेंस काम निकला था, उसका मेंटेनेंस निकला था। तो पहले हमने उस गाड़ी का एक्सल डाला था, मुझे याद है अच्छी तरह से। एक साल बाद 2017 में उसका एक्सल गया था, बाद में उसका अगला सस्पेंशन का काम निकला था और बाद में क्लच पेट गई थी। जीतो को मेंटेनेंस है, लेकिन आप उसको कैसा अपनाते उस पर डिपेंड है। आप मतलब मेरा आपका आपका वापर कैसा है उस पर डिपेंड है सब। अब मेरा जो वापर है वो मेरा रफ एंड टफ है। मैं दिन रात गाड़ी चलाता था पहले, यहाँ से मैं लगभग 90 किलोमीटर 1 टन या 1.5 टन का प्याज की बोरियाँ लेके जाता था 80 या 90 किलोमीटर तक, और उसमें घाट भी लगती थी। वो कड़ाष्टी का घाट भी लगता था और अहमदनगर का भी घाट लगता था। इसके कारण गाड़ी को इंजन को तकलीफ होगी ना। अब आदमी है, आदमी को भी ज़्यादा मेहनत करोगे तो आदमी को भी तकलीफ होगी ना। तो भी गाड़ी है ना, गाड़ी को भी कुछ कुछ आयल कूलन डालना पड़ता है ना। तो मेरे हिसाब से 11 HP और 16 HP में 11 HP को ज़्यादा मेंटेनेंस है, क्योंकि उसकी पावर कम है और हम क्या करते हैं ज़्यादा लोड डालते, इसलिए 11 HP को ज़्यादा मेंटेनेंस है। और 16 HP का पिस्टन बड़ा है इसलिए 16 HP को मेंटेनेंस थोड़ा कम है। तो मैंने 11 HP को लगभग कम से कम 2,90,000 में दो लाख नब्बे हज़ार में ली थी ना। तो मेरे अंदाज अनुसार मैंने उतने ही पैसे उसको डाले होगी, 2,90,000 उसकी प्राइस है ना, तो मैंने कम से कम 3 लाख से ज़्यादा खर्च किया है। लेकिन भाइयों मैंने उस पर कमाई भी बहुत है। ₹20 received on phone pay। मेरे ये 2022 चल रहा है, मैं कम से कम 7 साल से गाड़ी अपना रहा हूँ, तो मैंने उसको 3 लाख से भी ज़्यादा मेंटेनेंस किया होगा। लेकिन मैंने उस पर भी उसके 4 पट पैसे कमाए, इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता आपको बताने की मैंने 3 लाख डाले, कारण मैंने उस पर 4 पट, लेकिन 10-12 लाख मैंने भी उस पर कमाए है। मैंने उस पर भी उस गाड़ी पे 16 HP गाड़ी ली है मैंने, महिंद्रा जीतो की। तो मैंने 2 साल बाद मेरी 60,000 किलोमीटर होने के बाद मेरे उसका पिस्टन का काम किया था, और पिस्टन का काम करने के मुझे लगभग उस टाइम भी 20,000 रुपये लगे, 20-25,000। उसके 1 साल बाद फिर गियर बॉक्स में काम निकला, तो गियर बॉक्स का काम भी मैंने किया, तो गियर बॉक्स के काम को भी मुझे 20-30 हज़ार रुपये लगे। और ऐसा थोड़ा थोड़ा टायर बैटरी सब खर्चे चालू थे, वैसा नहीं मेंटेनेंस नहीं, लेकिन जीतो को मेंटेनेंस है। लेकिन आप कैसा अपना थे उस पर, आपने अगर महीने में एक दो बार ही गाड़ी निकाली तो मेंटेनेंस निकलेगा कि नहीं ना, और आप दिन रात चला रहे तो मेंटेनेंस निकलेगा।
लेकिन गाड़ी का जो मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती, उसकी जो वो सेंसर है ना, वो सेंसर का पता नहीं चलता। वो सेंसर मैंने कितने बार डाले वो मुझे भी याद नहीं, इतने बार मैंने डाले सेंसर को। तो मैंने बहुत पैसे दिए। एक बार तो मेरी गाड़ी रात को लगाई और सुबह मैंने सेल्फ मारा तो चालू नहीं हुई। तो मैंने बहुत उस टाइम फिटर को दिखाया, लेकिन कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। तो मैंने शोरूम में फ़ोन लगाया था, शोरूम ने उनका फिटर भेजा मेरे पास। तो यकीन मानिए, उसने खाली 1 मिनट भी हाथ नहीं लगाया तो मेरे से 2,000 रुपये ले गए। इसलिए जीतो गाड़ी की वो बहुत बुरी बात है। हमको कुछ समझ में नहीं आता, उनको समझ में आता है। 2-3 हज़ार, 4-5 हज़ार कुछ कुछ भी बोलते हो, चाहे उनके मन से हमें पैसा देना पड़ता है। इसलिए मेंटेन सही, 18 HP को, एक बार 16 HP को भी है। अब मैं 16 HP का बताता हूँ, मैंने मेंटेन्स कब किया। तो 16 HP का क्या हुआ, मेरा 40 हज़ार के बाद इंजन, पिस्टन, हेड, क्रैंक सब फूट गया। तो मैंने लगभग उसमें 48 हज़ार रुपये लगे। देखो दोस्तों, खाली 40 हज़ार किलोमीटर पे मेरा हेड और पिस्टन, क्रैंक सब फूट गया। वो हंडी हंडी बोलते उसको, हंडी भी फूट गई। और मुझे लगभग 48 हज़ार रुपये लगा। तो उसके बाद 10-15 हज़ार किलोमीटर हो जाने के बाद फिर से उस गाड़ी का 16 HP फिर से इंजन फटा, फिर से मुझे 32 हज़ार रुपये लगे। लेकिन ये कैसे हुआ ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। जीतू की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। पिस्टन पिस्टन कब उड़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं था। पीटर को बोला मैं क्या करना चाहिए नहीं जाने के लिए, वो भी बोला क्या पता, ऐसा नहीं है। मैं 10 हज़ार किलोमीटर के बाद 48 और ये 32 में 80 हज़ार रुपये लगे मुझे। अभी ये ताज़ा घटना है मेरे घर में। पहले वीडियो में दिखाया था मैंने, ब्लॉक, पिस्टन, हेड, कनेक्टर सब दिखाया था मैंने। तो मैंने अभी तक ये 16 HP को 1.5 लाख से खर्च किया होगा और उससे क्या 3-3 लाख रुपए मैंने कमाए होंगे। वो गाड़ी के मैंने 1,30,000 फाइनेंस किया था और बाकी सब कैश दिए थे। और उस ये 1,30,000 को हमें ब्याज 30 या 40 हज़ार रुपये लगे थे। अभी तक इतना ही खर्च हुआ है। मेरे हिसाब से 16 HP को, अभी ये नई BS6 निकली ना, उसको ज़्यादा मेंटेनेंस है। 18 HP को है, लेकिन 16 HP के मुकाबले में 18 HP को कम मेंटेनेंस है। और उसको सस्पेंशन का एक बहुत प्रॉब्लम आता है। उसको सब कुछ अब तक मैंने उसके सस्पेंशन का, पुरानी वाली जो तो 18 HP का 3-4 बार काम किया है और उसका 2 बार काम किया है। अब मेरी पुरानी वाली गाड़ी 1,40,000 हुई है और ये अभी 70 हज़ार हो गए। तो ये था मेरे दोनों गाड़ी का मेंटेनेंस, एक गाड़ी का 3 लाख से ऊपर, एक गाड़ी का 1.5 लाख। और आप, आपको वापरने का तरीका तो कम होगा मेरे से, तो मेंटेनेंस नहीं निकलेगा। लेकिन आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो मेंटेनेंस ज़रूर निकलेगा, ज़रूर मेंटेनेंस निकलेगा उसका। जी तो कोई मेंटेनेंस है, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट भी है। मेरे पास ऐप परीक्षा थी, मैं 10 हज़ार में जनरल करता था। लेकिन जी तो को पूरा जनरल करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेगा, 1 लाख से ज़्यादा, लेकिन कम नहीं। जीतो को मेंटेनेंस है। तो यही मुझे कहना था आपसे, मेरा जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए आपको ये जानकारी दी मैंने। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट भी कीजिए, उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उस पर भी जवाब दूंगा मैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई गणेश गुजरा।